वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज भाई आप सभी को पता डे 5 है और सुबह के 5:35 हुआ है और हम पी रहे हैं गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी पीने से भाई अच्छे से पेट फ्रेश होता है, सभी को पीना चाहिए। अभी 75 डेज हार्ड चैलेंज जो एक्सेप्ट करा है, इसको भाई पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि टफ तो है भाई। क्योंकि यार रात को मेरे लिए तो काफ़ी टफ है, क्योंकि रात को जाना पड़ता है एकेडमी, वहाँ से रात को लेट भी हो जाते हैं कई बार, तो भी फिर सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हम फिर भी ट्राई कर रहे हैं कि 6 बजे से पहले उठें। और अभी हम जिम चलेंगे, आ जाए मंडे भाई। भाई उन्होंने बोला कि काफ़ी छोटा ब्लॉग है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। चलो भाई थोड़ी देर में मिलते हैं जिम में। भाई हम पहुंच गए अपनी जिम, और देख सकते हो आप जिम आज हमने भाई कनेक्टर लगाया हुआ है, जिससे कि बाहर की आवाज़ बहुत ही कम आएगी। और हम जिम में एंटर कर रहे हैं भाई, और अभी हम जिम में एंटर कर चुके हैं। जिम में एंटर कर चुके हैं, और जैसा कि आप सभी देख सकते हो यहाँ पे 3 भाई बहुत ही जोर शोर से लगे हुए हैं पर अपनी फिटनेस करने के लिए। और हम भाई अपना पानी भर लाते हैं, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रोल खराब ना हो। भाई थोड़ा हिला लेते हैं पानी भर के, सेक कर लेते हैं इसको, आज हम अपनी फिटनेस करेंगे। और हम मिलते हैं भाई अभी आपको फिटनेस करते हुए। 2.5 किलोमीटर रनिंग हो गई है भाई अब हमारी। यार अभी आप देख सकते हो कि मैं पसीने से बिल्कुल लपाला, भाई टी शर्ट बिल्कुल गीली हो गई है पसीने से। ये तो कुछ नहीं है भाई, इससे कहीं ज़्यादा गीली होनी चाहिए जब आपका वेट फैट कटेगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हो मैंने करीबन 2.5 किलोमीटर रनिंग करी है, और मेरी टी शर्ट काफ़ी पसीने में भीगी हुई है। और जितना हो सकता है ना उतना रनिंग करो भाई, जिम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बट रनिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जिम इम्पोर्टेंट है। और अगली एक्सरसाइज हमारा ट्रेडमिल, जो कि हम अभी करने जा रहे हैं, उसमें भी करीबन 500 से 400 कैलोरीज के आसपास मेरी बर्न हो जाएंगी, और बहुत ही बेटर है मेरे लिए। और प्लीज़ गाइज अभी एक्सरसाइज के बाद मिलते हैं, बाय। जन्म देने वाला और विद्या देने वाला अध्यापक अन्य देव, भय से मुक्त करने वाला चाणक्य का मत है कि इन पांचों को सदैव संतुष्ट रखना चाहिए तथा इनका पिता की तरह सम्मान करना चाहिए। भाई चाणक्य बुक बहुत ही अच्छी है भाई, सभी को पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छी ज्ञान ज्ञान की बातें बताती है, और सभी भाइयों को पढ़ना चाहिए।